हेलो दोस्तों, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चार्मिक क्लासेस विद हरी सर में। इस वीडियो में फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट 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 इंपोर्टेंट 75 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी टीजीटी राजस्थान पीटीआई डीडब्ल्यूएसबी केवीएस एनबीएस के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है, डायनमोमीटर का प्रयोग इसके मापन के लिए किया जाता है, किसके मापन के लिए किया जाता है? स्कोरिंग आप लोग करके बताइएगा कि 75 में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर यहां पे चपलता, गति, शक्ति या फिर लचीलापन, बताइएगा 56 में राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आपको अटेम्प्ट करके बताना है और साथ में स्कोरिंग करके भी बताना है कि आपके 75 में से कितने क्वेश्चंस राइट होते हैं। कल के वीडियो में 55 क्वेश्चन दिए गए थे, आज उसी के आगे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यूपी टीजीटी राजस्थान पीटीआई टीजीटी का नया बैच आप लोग का लॉन्च किया जा रहा है 27 सितंबर से। जो भी स्टूडेंट ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन से रिलेटेड है, सख्त इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जेसीआर परीक्षण मापता, जो जेसीआर परीक्षण ये किस चीज को मेजर करता है? सामान्य गामक योग्यता को मेजर करता है, मौलिक कौशल योग्यता को मेजर करता है, खेलने की योग्यता या फिर मानसिक योग्यता को मेजर करता है? 57 आंसर बताइएगा, राइट आंसर यहां पे बिल्कुल हो जाएगा कौन सा? सामान्य गामक योग्यता ए ऑप्शन के साथ में रिलेटेड है, ए उत्तर इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनेडियन परीक्षण कितनी समय अवधि के अंतर्गत होता है? यह बताना है आपको, जो कैनेडियन परीक्षण है कितनी समय अवधि के अंदर होता है? 58 बताइए अगर राइट आंसर यहां पे किस ऑप्शन से रिलेटेड है, कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? 35 सेकंड से रिलेटेड है, 34 सेकंड, 36 सेकंड या फिर 33 सेकंड्स? ऑप्शन यहां पे कौन सा हो सकता है? 58 में 35 सेकंड से रिलेट करता है, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, क्रूस्कल वॉलिश टेस्ट उपयुक्त है किस चीज के लिए? पैरामीट्रिक परीक्षण हेतु उपयुक्त है, नॉन पैरामीट्रिक, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? यह टेस्ट किसके लिए उपयुक्त है? नॉन पैरामीट्रिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, हाइड्रोइंसिटोमेट्री इस नाम से भी जानी जाती, कौन से नाम से जानी जाती? बायो इलेक्ट्रिकल इंपेंडेंस के नाम से जानी जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी विधि के नाम से जानी जाती है, डेक्सा या फिर नियर के नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर यहां पर राइट आंसर के साथ में रिलेट करके कौन सा हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर यहां पर डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होता है। हाइड्रोइंसिटोमेट्री इस नाम से भी जानी जाती है, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग अटेम्प्ट कर। यहां पे कुछ लोग सी ऑप्शन बी अटेम्प्ट किए हैं। ध्यान दीजिएगा 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बायो इलेक्ट्रिकल इंपेंडेंस के साथ में रिलेटेड है, ए उत्तर सही आंसर। इसके पहले की वीडियोस के लिए YouTube पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो भी वीडियो आपको देखना है आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकते हैं। 61 में पैडा रूल मापता है या किस चीज को मेजर करता है? एचिलिस टेंडन का लंब से विचलन जो होता है इसको मेजर करता है, पैर के मध्य चाप का कोण जो होता है इसको मापता है, मेटाफेलेंजी की आनुपातिक लंबाई को मापता है या फिर मेटाकार्पस की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है उसको मापता है? क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं यहां पे राइट आंसर क्या हो सकता है। यहां पे बिल्कुल एचिलिस टेंडन का लंब से विचलन से रिलेट करता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, ए उत्तर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार्यक्रम आधारित सिद्धांत किस पर आधारित है? यह किस पर आधारित है? वर्गीकरण व्यवस्था जो है उस पर आधारित है, गैर रेखीय व्यवस्था, गतिशील व्यवस्था या फिर डी ऑप्शन है स्थिर व्यवस्था? 62 देखिएगा सही आंसर क्या हो सकता है।
मोटर कार्यक्रम आधारित सिद्धांत की अगर बात की जाए तो 62 नंबर वर्गीकृत व्यवस्था से रिलेट करता है, ए ऑप्शन क्या हो जाता है, सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण का मापदंड नहीं है, इसमें कौन सा एक उत्तम परीक्षण का मापदंड नहीं है देखते हैं। विषय निष्ठता, व्यक्ति निष्ठता, विश्वसनीयता या फिर अधिमान्यता। 63 में यहां पे जो उत्तर होना चाहिए कौन सा होगा, नहीं की बात की जा रही तो नहीं से कौन सा ऑप्शन रिलेट करेगा। बिल्कुल सही आंसर आप लोग को अटेम्प्ट करके बताना है कि राइट आंसर यहां पे कौन सा हो जाएगा। व्यक्ति निष्ठता से रिलेटेड है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 64 है, बैरोसेप्टर्स उस समय क्रियाशील होते हैं जब क्या होता है, 64 नंबर में रक्त दबाव बहुत अधिक होता है, पेशियों में रक्त प्रवाह कम होता है, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह कम होता है या फिर हृदय में रक्त प्रवाह कम होता है। क्वेश्चन नंबर है 64, राइट आंसर यहां पे देखते हैं यहां पे कौन सा हो जाता है। बैरोसेप्टर्स उस समय क्रियाशील होते हैं जब क्या होता है, रक्त दबाव बहुत अधिक होता है, ए ऑप्शन इसका क्या होता है, राइट आंसर होता है, ए उत्तर सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। स्किन फोल्ड कैलिपर से मापा जाता है, किस चीज को मीजर किया जाता है। इसके पहले का जो जस्ट 250 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट था उसमें ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, शरीर की लंबाई से रिलेट करता है, शरीर की वसा, शरीर की श्वसन स्तर या फिर शरीर का भार। 65 देखिएगा, 65 राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर के साथ में रिलेट हो जाएगा, यहां पे शरीर की वसा से रिलेटेड है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 सेकंड सीटअप्स से इनमें किसका परीक्षण होता है, इनमें से किसका परीक्षण होता है, चपलता शक्ति और लचीलापन का परीक्षण होता है, पेट की शक्ति, सहन शक्ति और गति का परीक्षण होता है, पीठ की शक्ति, गति और लचीलापन या फिर गतीय संतुलन, मांसपेशीय शक्ति और गति का परीक्षण होता है। 66 का जो आंसर होता है कौन सा हो जाएगा बताइएगा। 66 राइट आंसर, 30 सेकंड सिटअप से इनमें किसका परीक्षण होता है, तो इसमें से किसका परीक्षण होगा, यहां पे पेट की शक्ति, सहन शक्ति और गति से रिलेटेड है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डॉक्टर कैनेथ कूपर किसके व्याख्याता है, ये किसके व्याख्याता है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के व्याख्याता है, JCR टेस्ट के व्याख्याता है, 12 मिनट दौड़ अथवा पद यात्रा प्रशिक्षण या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। 67 में बिल्कुल सही आंसर आपको बता देना कि इसमें किससे रिलेटेड है, डॉक्टर कैनेथ कूपर जो है किसके व्याख्याता हैं। 67 नंबर, तो ये 12 मिनट दौड़ अथवा पद यात्रा प्रशिक्षण से रिलेट करेंगे क्या, बिल्कुल सी ऑप्शन से रिलेटेड है, सी उत्तर राइट आंसर है। वीडियो पसंद आना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर पहली बार विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 68 है, किसके मापने के लिए वेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, किसके मापन हेतु वेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है बताइएगा। रक्त दाब के मापन हेतु, नाड़ी गति के मापन हेतु, जैविक क्षमता के मापन हेतु या फिर डी ऑप्शन है ऑक्सीजन अंतर्ग्रहण के लिए इसका प्रयोग होता है बताइए, क्या मापन है तो इसका प्रयोग किया जाएगा, डी ऑप्शन इसका रिलेट कर जाएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जैविक क्षमता हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 69 है, निम्न में से क्या प्रदर्शन में निरंतरता दर्शाती है, और ध्यान दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट जॉब करते हैं, अगर ऐसा कोई वर्क करते हैं जहां पे आप वीडियो को ऑन करके आप लोग सुनते रहें तब भी आपके मैक्सिमम क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे, और हेडफोन लगा लीजिएगा वर्क भी करते जाइएगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन का रिविजन भी आपका हो जाएगा। 69
निम्न में से क्या प्रदर्शन में निरंतरता दर्शाती है? क्या प्रदर्शन में निरंतरता दर्शाती है? वैधता, विश्वसनीयता, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 69 राइट आंसर यहां पे क्या हो सकता है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 69 का, विश्वसनीयता बी ऑप्शन से रिलेट करेगा। बी ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 70 नंबर है, भंगित मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोगी है? जो भंगित को मीजर करने के लिए इसमें से कौन सा उपकरण उपयोगी होता है? अलाइनोमीटर उपयोगी होता है, स्कोलियोमीटर उपयोगी होता है, दोनों से रिलेटेड है या फिर इनमें से कोई भी संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर आपको बताना है। राइट आंसर बहुत से स्टूडेंट्स यहां पर अटेम्प्ट कर रहे हैं। 70 में अलाइनोमीटर भी रिलेट करेगा, बिल्कुल स्कैलियोमीटर में, यानी कि सी ऑप्शन दोनों से संबंधित है। सी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है 71। ट्रेडमिल का उपयोग के मापने में होता है, किसको मीजर करने में ट्रेडमिल का उपयोग किया जाता है? गति, पावर, भागने में किया गया कार्य या फिर डी ऑप्शन बल? बताइए। 71 जो ट्रेडमिल है इसका उपयोग किसके मेजरमेंट में किया जाता है, किसको मापने में किया जाता है? भागने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। शरीर का मोटापा मापने का यंत्र है। अब जो शरीर का मोटापा मापने का यंत्र है यह रिलेट करता है क्या? एंथ्रोपोमीटर से, टेंसियोमीटर से, स्किन फोल्ड मीटर से या फिर फ्लेक्सोमीटर से? क्वेश्चन नंबर 72। शरीर का मोटापा मापने का यंत्र, बिल्कुल स्किन फोल्ड मीटर से रिलेटेड है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। और कंटिन्यूटी आप लोग बनाए रखिएगा, मेहनत करते जाइएगा, क्योंकि देख ध्यान दीजिए आप लोग खुद से अगर स्कोरिंग कर रहे हैं तो आपको खुद से अंदाजा होगा कि किस लेवल पर आपकी तैयारी चल रही है। अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही तब भी आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना है, क्योंकि जब आपकी कंटिन्यूटी बनी होगी तो वो स्कोर आपका स्थिर से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ओके, हर कोई प्रैक्टिस सेट में आपके उतने मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, इसका भी विशेष आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में जो पेपर सेट होता है उसमें आप इतने मार्क्स ले आए कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। और जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 500 रुपीज का पेमेंट फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से करने के उपरांत तुरंत स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं इसी नंबर पर, और तुरंत वेरिफिकेशन के जस्ट बाद आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। और साथ में डेली का मॉक टेस्ट क्विज और जो प्रैक्टिस सेट बीच बीच में प्रोवाइड किया जाता है एग्जाम पैटर्न पर आधारित, वो प्रैक्टिस सेट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और साथ में 10,000 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 73 आंसर क्या होगा? व्यक्ति की लंबाई के मापन का उपकरण क्या है? स्टेडियोमीटर है। सी ऑप्शन से रिलेटेड है। सी उत्तर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेडियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए करते हैं? इसका जो प्रयोग है किसको मीजर करने के लिए करते हैं यहां पर बताना है। वजन को मीजर करने के लिए करते हैं, मोटापा को मीजर करने के लिए करते हैं, शरीर से विभिन्न हिस्सों की परिधि को मीजर करने के लिए करते हैं या फिर ऊंचाई को मीजर करने के लिए करते हैं? क्वेश्चन नंबर 74 आंसर यहां पे क्या होता है? राइट आंसर 74 नंबर का डी ऑप्शन यहां पे ऊंचाई से रिलेट करता है। डी उत्तर राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने हेतु यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या? कहते हैं फ्लेक्सोमीटर कहते हैं, गोनियोमीटर कहते हैं, डायनमोमीटर कहते हैं या फिर स्किन फोल्ड कैलिपर कहते हैं? 75 क्लिक कर दीजिएगा राइट आंसर यहां पे 75 नंबर में। स्किन फोल्ड कैलिपर से रिलेटेड है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। डी उत्तर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ईसीजी सूचक है या किस चीज का सूचक है? इलेक्ट्रो चार्जिंग ग्राफ का सूचक है। 76
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का सूचक है, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी का सूचक है, या फिर इनमें से किसी का सूचक नहीं है। 76 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, जो ईसीजी है ये किससे रिलेटेड है? 76 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से रिलेटेड है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। बी उत्तर राइट आंसर। रक्त दाब मापने का यंत्र है, जो रक्त दाब मेजर करने का यंत्र है, ये कौन सा? सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है, स्फिग्नोमैग्नोमीटर है, या फिर मैनोमीटर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 77 नंबर आपकी स्क्रीन पर। सी ऑप्शन स्फिग्नोमैग्नोमीटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोनियोमीटर क्या मापने में प्रयुक्त होता है? जो गोनियोमीटर है, या किस चीज को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यहां पे बता दीजिएगा तुरंत आपका राइट आंसर क्या हो सकता है 78 में। और स्कोरिंग आप लोग अवश्य करिएगा। टोटल 75 में से आज आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं? 56 से 130 तक ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करेक्ट कर देते हैं। 78, लचीलापन, पकड़ सकते, चाल की गति, या फिर हाथ की शक्ति। 78 नंबर बिल्कुल लचीलापन से रिलेट कर जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ए उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? जो स्पाइरोमीटर या किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है बताना है आपको। हृदय की क्षमता से रिलेट करेगा, ग्रिप की क्षमता, पेट की मांसपेशीय क्षमता, या फिर फेफड़ों की क्षमता। स्पाइरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 79। डी ऑप्शन, फेफड़ों की क्षमता के लिए प्रयोग होता है। डी उत्तर इसका क्या हो जाता है? राइट आंसर होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। जो सहन शक्ति परीक्षण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? वर्टिकल जंप, लाई डिटेक्टर, ट्रेडमिल, या फिर सेंट्रीफ्यूज। क्वेश्चन नंबर 80, सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है क्या? क्या प्रयोग होता है? ट्रेडमिल का प्रयोग होता है। सी ऑप्शन से रिलेट करता है। सी उत्तर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक है? कौन से मानदंड आवश्यक होंगे? वैज्ञानिक प्रामाणिकता, प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो, शैक्षिक प्रयोग हो, या फिर डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी से रिलेट कर जाएगा। यहां पे 81 नंबर, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है? सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, ए होगा, या फिर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 81, किसी टेस्ट के चयन के लिए जो कौन से मानदंड आवश्यक होते हैं? वैज्ञानिक प्रामाणिकता भी इससे रिलेट करता है, बिल्कुल सही आंसर है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो, यह भी इसका करेक्ट आंसर है। शैक्षिक प्रयोग हो, यह भी इसका करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी से रिलेट करता है। डी उत्तर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 82 नंबर है, एक स्वस्थ शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? यहां पे आपको 94 करके भी आंसर दिया जाता है, लेकिन जो ऑप्शन दिए हुए इसमें से जो आपकी स्क्रीन पर है, और डिग्री फारेनहाइट में आपको बताना है 82 में। यहां पे बताइए अगर राइट आंसर 98.6 से रिलेट करेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में दिया होता है, उसको आपको एफ यानी फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने पे ये 98.6 सही आएगा, विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परीक्षण का नॉर्म उसमें किस आधार पर कार्य करता है? किस आधार पर कार्य करता है? उम्र, लिंग, या वर्ग के आधार पर कार्य करता है? तार्किक सोच के आधार पर कार्य करता है? प्रत्यक्ष प्रमाण, या फिर डी ऑप्शन, इनमें से कोई भी आधार नहीं होगा जिस पर यह कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 83 बताइएगा, 83 बिल्कुल उम्र, लिंग, या वर्ग के आधार पर कार्य करता है। ए ऑप्शन राइट आंसर है, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, लंबवत कूद द्वारा शक्ति मापने को और किस रूप में भी जाना जाता है? अन्य किस रूप में जाना जाता है? ऊंची कूद के रूप में जाना जाता है, लंबी कूद के रूप में जाना जाता है, द्विपाद कूद के रूप में जाना जाता है, या फिर सार्जेंट कूद के रूप में
जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर यहां पे बिल्कुल सही आंसर आपका आना चाहिए। और अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें से क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम में मैक्सिमम सही होने चाहिए। यहां पे 84 का आंसर हो जाएगा बी के साथ में लंबी कूद हो जाता है, इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन राइट आंसर। और आने वाला जो यूपी टेट का एग्जाम है उसके लिए भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। और टीजीटी जो फिजिकल एजुकेशन का होना है एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो सकता है, इसके पॉसिबिलिटीज बन रही एग्जाम होने की, प्रिपरेशन करते रहिएगा। जितने दिन से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं थोड़ी सी मेहनत और करने की जरूरत है, सफलता आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी। और जब एक बार सफलता मिल जाएगी आपके सामने सारे रास्ते ओपन हो जाएंगे। ए ऑप्शन ग्रास बेवर टेस्ट मेजर कर जाएगा न्यूनतम मांसपेशी शक्ति से। नेक्स्ट है हार्वर्ड स्टेप परीक्षण विकसित किया गया था, यह किसके द्वारा विकसित किया गया था देखिएगा। जिसको भी ग्रुप ज्वाइन करना है 500 रुपीज का पेमेंट करके तुरंत ग्रुप से जुड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 86 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, हार्वर्ड स्टेप, ये कल भी रिपीट किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति मापन सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है, जो गति मापन है सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है कौन सा होगा, 100 मीटर तेज दौड़ द्वारा, 80 मीटर तेज दौड़ द्वारा, 80 गज तेज दौड़ द्वारा या फिर 50 गज तेज दौड़ द्वारा। क्वेश्चन नंबर है 87 आपकी स्क्रीन पर, बताइए 87 में जो आंसर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं कौन सा होगा। गति मापन सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है 100 मीटर तेज दौड़ द्वारा, बहुत से लोगों ने आंसर अटेम्प्ट किया है, ए ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव धारिता को किसके द्वारा मापा जा सकता है, जो जैव धारिता है उसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा, थर्मोमीटर के द्वारा, गोनियोमीटर के द्वारा या फिर स्पायरोमीटर के द्वारा। 88 जैव धारिता की अगर बात कर ली जाए तो यहां पे लैक्टोमीटर क्यों टिक लगा रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा यहां पे स्पायरोमीटर से रिलेटेड है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो भी पार्ट्स आपको देखने हैं यहां पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड, टीजीटी राजस्थान पीटीआई से रिलेटेड, केवीएस एनवीएस DSSB से संबंधित सभी पार्ट्स आप यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और साथ में अगर डेली का डेली मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हो, कंटिन्यूटी बनाए रखना चाहते हो तो ग्रुप से जुड़ सकते हैं इसी नंबर पर पेमेंट करके। और 27 सितंबर से आप लोग का यूपी टीजीटी का बैच शुरू किया जाएगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं इसी नंबर पर पेमेंट करके तुरंत कॉन्टेक्ट करके जुड़ सकते हैं, डेली मॉक टेस्ट आपको मिलेगा और उसमें प्रैक्टिस सेट्स भी बीच बीच में प्रोवाइड किए जाएंगे। 89 का राइट आंसर यहाँ पे किससे रिलेटेड है, ए ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा, डायनेमोमीटर होगा या स्टेडियोमीटर होगा, गोनियोमीटर या फिर स्किन फोल्ड कैलिपर, बताइए। 89 नंबर बिल्कुल ए ऑप्शन से रिलेट कर जाता है आपका आंसर, स्टेडियोमीटर नहीं डायनेमोमीटर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय श्वसन क्षमता सबसे उत्तम किससे मापी जाती है, सबसे उत्तम किसके द्वारा मेजर की जाती है, इंडियाना मोटर फिटनेस टेस्ट जो है इससे मेजर की जाती है, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से मेजर की जाती है, जॉन मैथेनी टेस्ट से मेजर की जाती है, JCR टेस्ट के द्वारा इसको मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 बताइएगा सही उत्तर, यहां पे देखिएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। 90 नंबर बिल्कुल सही उत्तर है आपके स्क्रीन पर, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से रिलेटेड है, बी ऑप्शन राइट आंसर। स्कोरिंग आप लोग अवश्य करके बताइएगा कि 75 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और जो भी स्टूडेंट्स कल का वीडियो देखे थे 55 क्वेश्चन दिए गए थे, उन दोनों वीडियोस को आप मर्ज करिएगा, 130 में से बताइएगा कि आखिरकार आपके कितने क्वेश्चन एग्जैक्टली राइट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 है आपकी स्क्रीन पर, परीक्षण का प्रयोजन किसके माध्यम से मापा जाता है, इसका जो प्रयोजन होता है किसके माध्यम से मेजर किया जाता है, विश्वसनीयता के माध्यम से मेजर किया जाता है, वैधता के माध्यम से, वस्तुपरकता या फिर स्पिल्ड हाफ पद्धति के माध्यम से। 91 नंबर
ए और डी से रिलेट कर जाएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 23 टीमों की नॉकआउट प्रतियोगिता के प्रथम चक्र में मैचों की संख्या होगी, इसमें जो मैचों की संख्या हो जाएगी 7 से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरीके के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं और सेम टू सेम ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। 8 टीमों के लीग टूर्नामेंट में कुल मैच होंगे 93, तो 28 मैच होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था की चार दीवारी के अंदर प्रायोजित होने वाले जो गेम्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो प्रतियोगिता आयोजित की जाती है उसको क्या बोला जाता है, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल, हाल में आयोजित प्रतियोगिता, मैदान में आयोजित प्रतियोगिता। 94, तो इसको बोला जाता है इंट्राम्यूरल, यानी कि ए ऑप्शन से संबंधित है, ए उत्तर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, खेल प्रतियोगिता आयोजित करने हैं तो प्रबंधन का मुख्य सिद्धांत है, जो प्रबंधन है इसका मुख्य सिद्धांत क्या है, योजना, व्यवस्थापना, आय व्यय लेखा या फिर डी ऑप्शन, ये सभी। क्वेश्चन नंबर है 95, यहां पे जो उत्तर होना चाहिए आपका 95 में कौन सा हो जाएगा, सभी से रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 96 से बाई का संबंध है किससे संबंध है, प्रतियोगिता से, शिविर से, जनसंपर्क से या फिर पाठ योजना से। जो बाई रिलेट कर जाएगी आपका प्रतियोगिता करेक्ट आंसर होगा, शिविर होगा, जनसंपर्क होगा या फिर पाठ योजना से रिलेट कर जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर यहां पे प्रतियोगिता से रिलेट कर जाता है, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध है, जो पिरामिड टूर्नामेंट है इसका संबंध किससे है, चैलेंज टूर्नामेंट से है, नॉकआउट टूर्नामेंट से रिलेटेड है, लीग टूर्नामेंट या फिर डी ऑप्शन, इनमें से कोई भी टूर्नामेंट रिलेट नहीं करेगा क्या। 97 बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको मिलती रहेगी और साथ में यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट का बैच भी आपका शुरू हो रहा है। जो भी स्टूडेंट यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है वो लोग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पर पेमेंट करके तुरंत जुड़ सकते हैं। 97 नंबर का ए ऑप्शन से रिलेटेड है, चैलेंज टूर्नामेंट, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आदेश का संबंध है, जो आदेश है इसका संबंध किससे होगा, टूर्नामेंट से रिलेट करेगा, शिविर, कमांड या फिर इनमें से कोई नहीं। 98 आंसर कौन सा हो सकता है, आदेश का संबंध यहां पे 98 नंबर, तो ये हो जाएगा कमांड, यानी कि सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। संस्थागत प्रतियोगिताएं होती, अभी आपने चार दीवारियों से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा था, अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज, बाकी आपका आंसर क्या होगा, संस्थागत प्रतियोगिताएं किससे रिलेटेड, संस्था के अंदर, संस्था के बाहर, राज्य के बाहर या फिर इनमें से कोई नहीं। कुछ लोगों का डी ऑप्शन भी आ गया, इनमें से कोई नहीं, संस्थागत, संस्था के अंदर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है 100 नंबर का क्वेश्चन है, 15 टीमों में नॉकआउट प्रणाली से तीसरा तथा चौथा स्थान भी निकालने के लिए कितने मैच होंगे, बताना है आपको आंसर। 14, 15, 16, 17 क्वेश्चन नंबर 100 राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है, ए होगा या फिर बी ऑप्शन यहां पे राइट आंसर से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे, बताइए कुल कितने मैच खेले जाएंगे, और जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सभी में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे सबको इसका बेनिफिट मिल सके। 101 नंबर है, 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे, 101 में सी ऑप्शन 90 से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, किसी नॉकआउट पद्धति में पराजित टीम को दोबारा खेलने का अवसर मिलता है, तो ये कौन सा होगा, सिंगल नॉकआउट पद्धति से रिलेटेड है, डबल नॉकआउट पद्धति से रिलेटेड है, बैगनाल वाइल्ड पद्धति से रिलेटेड है, नॉकआउट कम लीग पद्धति से रिलेटेड है। 102 देखते हैं यहां पर किससे रिलेट कर जाता है, डबल नॉकआउट पद्धति से रिलेट करता है, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, 103 नंबर है, शारीरिक शिक्षा में समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वह कौन से हैं, विद्यार्थियों की संख्या के समय सारणी को प्रभावित करता है, उपकरण की उपलब्धता, वातावरण या फिर डी ऑप्शन, ये सभी।
103। तो समय सारणी की अगर बात की जाए तो विद्यार्थियों की संख्या भी रिलेट करेगा। उपकरण की उपलब्धता वातावरण यानी डी ऑप्शन से रिलेट कर जाता है, डी उत्तर इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्टेयर एवं पिरामिड प्रकार है, जो स्टेयर और पिरामिड है ये प्रकार कैसे है? सीढ़ी नुमा प्रतियोगिता के प्रकार है, चुनौती प्रतियोगिता के, लीग प्रतियोगिता के, या फिर कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 104 104 नंबर का उत्तर यहां पे कौन सा ऑप्शन से रिलेट कर जाता है? तो स्टीयर एवं पिरामिड प्रकार है, चुनौती प्रतियोगिता के, बी ऑप्शन से रिलेटेड है, बी उत्तर सही आंसर। नेक्स्ट है बजट बनाने का प्रथम चरण है, तो इसमें जो बजट बनाने का प्रथम चरण है वो कौन सा होगा? आय की खोज से रिलेट करता है, खर्च का अनुमान, योजना या फिर सुविधाएं एवं कर्मी समूह। 105 बिल्कुल सी ऑप्शन से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से किनको स्कूल में होने वाले इंटरमीडिएट समिति का चेयरमैन होना चाहिए, बताइएगा यहां पे? प्रधानाध्यापक, उप प्राचार्य, इंटरमीडिएट के निदेशक या फिर अध्यक्ष छात्र संघ। 106 इंट्राम्यूरल के निदेशक से रिलेट करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्राम्यूरल कार्यक्रम से विद्यार्थी के मन में यह उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? 107 में उपलब्धि उत्पन्न होता है, आवेष्टन उपलब्ध होता है, विनोद या फिर खुशी उत्पन्न होती है। इंट्राम्यूरल कार्यक्रम से विद्यार्थियों के मन में यह उत्पन्न होता है क्या? 107 वॉट इज द राइट आंसर? आवेष्टन से रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल कार्यक्रम के लिए वित्त को इसके द्वारा संचित किया जा सकता है, किसके द्वारा संचित किया जा सकता है? एल्यूमिनी संस्था के द्वारा संचित किया जा सकता है, दान, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग या फिर डी ऑप्शन इन सभी के द्वारा। जो खेल कार्यक्रम है के लिए वित्त को किसके द्वारा संचित किया जा सकता है? 108 इसका आंसर कुछ बुक्स में आपको अलग अलग भी मिलता है, तो यहां पे एल्यूमिनी संस्था जो इसके द्वारा भी अर्जित किया जा सकता है यानी संचित किया जा सकता है, दान भी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग यानी कि डी ऑप्शन से रिलेटेड है, डी उत्तर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 खेल प्रदर्शन इसका अर्ध उत्पाद है, जो खेल प्रदर्शन है इसका अर्ध उत्पाद क्या है? कौशल है, संप्रतिबंध क्षमता है, संपूर्ण व्यक्तित्व या फिर सामरिक क्षमता। 109 सही आंसर, बिल्कुल राइट आंसर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सी ऑप्शन। बहुत से स्टूडेंट ने संपूर्ण व्यक्तित्व ही टिक लगाया हुआ है, सी ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक समूह के सदस्यों में आपस में आकर्षण देखा जाता है तो वह समूह कहलाता है, क्या कहलाता है यह समूह बताइएगा? भीड़ कहलाती है, संसक्तिशील टीम या फिर प्राथमिक समूह। 110 तो ये क्या कहलाता है? संसक्तिशील समूह कहलाता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है, बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टेनिस प्रतियोगिता दूसरी सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता है? तो दूसरी सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कौन सी हो जाएगी? ऑस्ट्रेलियाई ओपन होगा, फ्रेंच ओपन होगा, अमेरिकी ओपन होगा, विंबलडन से रिलेट कर जाएगा क्या? 111 अमेरिकी ओपन से रिलेट करता है, सी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड रॉबिन को दिया गया एक नाम कौन सा है? जो राउंड रॉबिन है इसको दिया गया दूसरा नाम बताइएगा। 112 बोलिएगा आंसर। लीग किस्म की प्रतियोगिता से रिलेट करता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अंता प्राचीर कार्यक्रम के लिए उत्कृष्ट आधार है, जो अंता प्राचीर कार्यक्रम है डैश के लिए उत्कृष्ट आधार कौन सा है? छात्र मनोरंजन, मूल अनुदेशात्मक कार्य, प्रतिभा पहचान या फिर कौशल विकास। 113
प्रतिभा पहचान के लिए उत्कृष्ट आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यदि एक नॉकआउट प्रतियोगिता में टीमों की संख्या 35 है तो कुल कितने मैच खेले जाएंगे, तब बताइएगा टोटल कितने मैच खेले जाते हैं यहां पे, कितने खेले जाएंगे मैच। 114 बी ऑप्शन से रिलेट करेगा, बहुत से स्टूडेंट्स का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थी की आयु अधिक से अधिक होनी चाहिए, ये कितनी आयु होनी चाहिए, 25 वर्ष, 20 वर्ष, 28 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो अधिकतम आयु जो होनी चाहिए सी ऑप्शन 28 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमांड विधि का उपयोग कहां करेंगे, जो कमांड विधि है इसका उपयोग कहां पर किया जाता है, ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में क्या था, हॉकी, मार्चिंग या फिर तैराकी। 116 का करेक्ट आंसर बताइएगा और यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर, जो भी वीडियो आपको मैराथन क्लास देखनी, मैराथन क्लास भी देख सकते हैं, पार्ट वाइज भी सभी वीडियोस वहां पे आप लोग देख सकते हो। और जो भी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप पेमेंट या फिर किसी अन्य के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं और डेली के डेली कंटिन्यूटी बना रख सकते हैं। और मॉक टेस्ट और जो प्रैक्टिस सेट्स बीच बीच में प्रोवाइड किए जाते हैं वो सभी सुविधाएं आप लोग प्राप्त कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन के लिए तैयारी कर सकते हैं। 116 यहाँ पे मार्चिंग से रिलेट कर जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर होता है, सी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में हम देख सकते हैं क्या देख सकते हैं, सिंगल नॉकआउट देख सकते हैं, लीग कम नॉकआउट देख सकते हैं, बैगनल वाइल्ड टूर्नामेंट या फिर लीग। 117 कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में हम क्या देख सकते हैं, सिंगल नॉकआउट, लीग कम नॉकआउट, बैगनल वाइल्ड टूर्नामेंट या फिर लीग। यहां से राइट आंसर कौन सा रिलेट करेगा, 117 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको अटेम्प्ट करना है, लीग कम नॉकआउट से रिलेट करता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होता है, बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतियोगिता में तैराकी के कितने प्रकार होते हैं, जो प्रतियोगिता इसमें तैराकी जो पार्ट के टाइप्स होते हैं वो कितने होते हैं, 10, 6, 4 या फिर 2 होते हैं, बिल्कुल आंसर आपको बताना है यहां पे इसका कमेंट के माध्यम से। 118 नंबर कई बार ये क्वेश्चन आपको कराया गया है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, 6, 10, 4, 2 या फिर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, एक नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले दलों की कुल संख्या यदि 14 यानी 14 हो तो फाइनल मैच को मिलाकर खेले जाने वाले कुल मैचों की संख्या होगी, तो कुल मैचों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी बताइए। तो यहां पे कुल मैचों की संख्या से रिलेट कर जाएगा, बी ऑप्शन 119 नंबर का बी उत्तर सही हो जाता है। सभी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इसके नियमों के अधीन होनी चाहिए, किनके नियमों के अधीन होनी चाहिए, IAAF के नियमों के अधीन होनी चाहिए, IOA के अधीन होनी चाहिए, AAFI के अधीन होनी चाहिए या फिर डी ऑप्शन दिया हुआ, इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं होगा। बिल्कुल सही आंसर आपकी स्क्रीन पर है, IOA यानी कि बी ऑप्शन से रिलेट करता है, बी उत्तर सही हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कौन करता है, 121 नंबर AIU करता है, SGFI, SAI या फिर IOA। 121 तो ये जो आयोजन करता है तो SGFI से रिलेटेड है, बी ऑप्शन से रिलेट करता है, बी उत्तर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 122 पांच टीमों की लीग फिक्सर में कुल कितने मैच होंगे, कुल कितने मैच होंगे 122 में बता दीजिएगा, यहां पे 10 मैच होंगे क्या, बिल्कुल राइट आंसर है। प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है, क्वेश्चन इस बार भी रिपीट हो सकता है, किसी भी टाइप में इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलना 100% तय है, ध्यान दीजिएगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट, लीग प्रतियोगिता को कहते हैं, लीग प्रतियोगिता जो होती है उसको क्या बोला जाता है, यहां पे नॉकआउट अभी आपने देखा है, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, किसी संस्था की चार दीवारी के अंदर आयोजित होने वाले इंट्रामुरल से रिलेट करता है, यहां पे बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम की वास्तविक शुरुआत कब हुई, 126 वास्तविक शुरुआत की अगर बात की जाए तो इसकी शुरुआत जो हुई है तो बी ऑप्शन से रिलेट करेगा क्या, 1970-71 से रिलेट करता है। नेक्स्ट है, नॉकआउट टूर्नामेंट में जब 11 टीमें हैं तो नीचे के अर्ध में कितनी बाई दी जाती हैं,
तो इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को पहले से पता है, तीन से रिलेट करेगा। यदि किसी सिंगल लीग प्रतियोगिता में 8 टीमें भाग ले रही हैं तो कितने मैच खेले जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सी ऑप्शन से रिलेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मूलर एंडरसन प्लेबैक मेथड किस प्रकार के टूर्नामेंट का उदाहरण है, कौन से टाइप का टूर्नामेंट का उदाहरण है, नॉकआउट टूर्नामेंट का उदाहरण है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, जो फुटबॉल होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, 130 नंबर का 11 खिलाड़ी होते हैं, ए ऑप्शन सही आंसर। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। और इसके पहले के वीडियोस के लिए यूट्यूब पर सर्च करिएगा फिजिकल एजुकेशन बाय पंकज सर। जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9621819209 पर। 500 रुपीज का पेमेंट कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, पेटीएम अकाउंट पे, व्हाट्सएप में मेरे एफिलिएशन यानी के माध्यम से भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं और ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और डेली का डेली मॉक टेस्ट कोई प्रैक्टिस से जो भी प्रोवाइड किया जाता है वो आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, एग्जाम में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी।